Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और ढेर सारी मुबारकबाद तनाव के लिए. Thank you. पहली बार हो कोई तनाव के लिए मुबारकबाद दे रहा है. नाम तनाव है लेकिन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज को. सर आप मानते हो कि जिंदगी में कितना भी तनाव हो रिलैक्स होने के लिए आदमी को हमारे शो में आना पड़ता है. सही. आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए. हमारे डायरेक्टर सुधीर मिश्रा साहब, इनके बारे में बता दूं आपको कि इनके सिर्फ बाल ही लंबे नहीं है, इनका करियर भी बहुत लंबा है. बड़ा कमाल कमाल का काम किया है सुधीर मिश्रा जी ने. सर कितनी फिल्में कितने टीवी सीरियल लगे आपको द कपिल शर्मा शो तक आने के? बहुत साल हो गए. अर्चना बताएंगे आपको. अर्चना जी आपको भी जानती है? जी हाँ जी हाँ. मैंने दुनिया में कोई बंदा नहीं देखा जिनको ये नहीं जानती है. अर्चना जी सच सच बता दो आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? 39. वाओ. एक्चुअली 40 41. इट्स 23 या 41. उसके 41. एक साल बाद आया था मैं. 41 ईयर्स. यस. तो आप तो मुझे बोल रही थी मैं 33 की हूँ. सुधीर सर कितने समय बाद मिल रहे हैं आप अर्चना जी को? I think decades ना. Decades में आपके बगल में आके रहने वाला था मड आइलैंड में, फिर को आपने घर खरीद लिया तो आखिर वाला तो फिर मुझे कहीं और खरीदा नहीं, उन्होंने कब्जा किया है वो तो. खरीदती नहीं है कुछ ये. इनको भी फेरी पर मिली थी एक बार. I saw you on the ferry. जा, जा. और मैं चप्पू चलाकर मगरमच्छ पर नहीं आती. He is witness. मुझे पता है आपकी अपनी है फेरी. आप क्लाइंट्स को बिठा के लाती हैं. सुधीर सर की एज ए डायरेक्टर सबसे पहले जो तीन फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं कि ये वो मंजिल तो नहीं या मैं जिंदा हूं धारावी, तीनों को नेशनल अवार्ड मिला है. क्या बात है. सर अर्चना ये पूछ रही थी कि जब नेशनल अवार्ड मिलता है आदमी की इज्जत में तो बढ़ोतरी होती है, पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी होती है जैसे नेशनल अवार्ड जब मिल जाता है? पेमेंट थोड़े कम होने लगते हैं. है? वो आ रहा है तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था, कुछ पैसे कम होने वाले नहीं. नहीं नहीं, पहले एक जमाने में फिल्में भी हमको दिखाते थे हमारे दोस्त. अच्छा जी. तो बोनी वगैरह जो फिल्में बनाते थे तो बोलते थे सुधीर और शबाना को बुला लो. तो बोले उनको फिल्म अच्छी लगी. अरे यार सुधीर शबाना को फिल्म अच्छी लगी कुछ गड़बड़ हो गया. नहीं अब माहौल बेटर है, बहुत बेटर है. सुधीर साहब आपने जो पहले फिल्में बनाई और आजकल वेब सीरीज का दौर आ गया जी, क्या आपको कुछ बदलाव नजर आया? बहुत अच्छा हो गया कि मुश्किल हो गया? नहीं बहुत अच्छा हो गया. मेरा करियर ही उसी का सबूत है. मैं 2017 से काफी काम कर रहा हूँ. तो नहीं हर तरह की कहानी बना सकते हैं आप. दायरा सबको ये भी टेंशन रहती कि मेरा रोल छोटा है बढ़ा दो. अब तो पता है वेब सीरीज जिसका जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो आप. कोई अच्छा लग रहा है तो बढ़ा दो, कोई ठीक नहीं लग रहा तो उड़ा भी दो. उड़ा दो. अच्छी बात है. अरबाज भाई जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही प्यारे इंसान हैं. हमारे प्रोड्यूसर साहब के भाई भी हैं. नहीं सिर्फ अरबाज भाई हैं जिनको कोई नुकसान नहीं है, बाकी सारे जज खा गई है. वही बगल में एक सीजन से ऊपर टिका नहीं. अरबाज भाई जैसे घर में किसी का अगर प्लॉट हो बड़े भाई का और काम चल रहा हो तो घर के छोटे भाई या परिवार वाले आके देखते रहते हैं. right. काम ठीक हो रहा कि नहीं, मजदूर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं. आप 2019 में हमारे शो पे आए थे, अब 22 में आए हो. तो आपको पैसे वैसे की परवाह कोई नहीं है कि आपको अपने ठेकेदार जो है नदीम भाई उन पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, अच्छा काम कर रहे हैं. और वैसे तो इनको ये जो मांगे लोग दे देते हैं. ये तो है. वो इसका रीजन भी है ना. क्या पैसे इनके नहीं है ना. अंदरूनी बातें निकलने लग गई. अरबाज भाई ने 26 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 50 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, लेकिन सुना कि तनाव के लिए पहली बार आपने ऑडिशन दिया जी. तो आप तनाव में थे कि कास्टिंग करने वाला तनाव में था? नहीं तनाव में तो मैं था, क्योंकि ये सच है कि पहली फिल्म से मैंने कोई ऑडिशन या कोई स्क्रीन टेस्ट जैसा कुछ किया नहीं है. थ्रू आउट माई एंटायर करियर एक्चुअली आई डोंट नो द रीजन व्हाई. शायद उस वक्त ज़्यादा होता भी नहीं था. आई थिंक पीपल यूज्ड टू जस्ट कास्ट देयर एक्टर्स हु दे वांटेड यू नो. बट अब जो माहौल चेंज हो गया उसमें इट वॉज अ नाइस थिंग. आई एंजॉयड द प्रोसेस एंड ही वॉज अ मैन हु प्रॉब्ली वुड हैव सेलेक्टेड मी. क्या बात. पार्क की नजर मान गए. पूछिए कि इन्होंने ये गलती की कैसे. नहीं नहीं गलती हुई नहीं वैसे. थैंक यू. आई वॉज मतलब
मुझे ऐसा लगा था कि मतलब पता नहीं अरबाज भाई और मेरी बनेगी कि नहीं, लेकिन वी गॉट लॉन्ग रियली वेल, विच इज वेरी सरप्राइजिंग. और ये भी एक जो क्लीशेज होते हैं ना, हम लोग एक दो विभाजित कुछ ऐसे दुनिया में रह रहे थे, ये इस तरह की फिल्म बनाता है, वैसी फिल्म बनाता है जी, तो अब वो थोड़ा सा वो मर्जर सा हो गया है. कभी कभी हम किसी से मिले नहीं होते ना, हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं. जैसे मुझे लगा था सुधीर सर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, इनको नमस्ते भी करेंगे तो भटक जाएंगे ये. पर ये बहुत विटी हैं, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके. ये उनको पीछे वार्निंग दी थी ऐसा नहीं करना. ये इम्पोर्टेंट शो है, ये आपका, ये आपके लिए प्रमोशन है, आप कपिल पे नाराज ना हो. भड़कते हैं वो. बलुशा जी वेलकम. बहुत प्यारी लग रही हैं आप सफेद साड़ी में. बलुशा, इस सीरीज में आपकी कास्टिंग सबसे पहले हुई थी या प्रोड्यूसर को लगा कि अब तनाव बहुत ज्यादा हो गया, अब कोई ऐसा चेहरा लाएं जिससे राहत मिले थोड़ी? कैसे आपका इस सीरीज के साथ जुड़ना हो? प्रोड्यूसर के पीछे मुझे भागना पड़ा एक्चुअली इस सीरीज को लेके, क्योंकि मुझे करना ही था इसमें काम. अवतार ही बहुत अलग है. आई एम प्लेइंग अ कश्मीरी मुस्लिम वुमन. बहुत गलत फहमियाँ फैल चुकी थी मेरे बारे में कि मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ या विदेशी हूँ, यहाँ की नहीं हूँ. हालांकि मैं गोवा की हूँ, पैदाइश मेरी गोवा में हुई है एंड स्कूल में. हम जैसे गरीबों के लिए गोवा विदेशी है. पर आपको पता है जब मैंने आपका नाम पहली बार सुना ना बलुशा, तो मुझे लगा फ्रेंच फ्रेंच बोलती होगी लड़की. फ्रेंच नहीं बोलती हूँ मगर हाँ कोंकणी बोलती हूँ, पुर्तगीज बोलती हूँ, जर्मन बोलती हूँ. बहुत ज्यादा बोलती है. अरबाज भाई बहुत शरारती हैं. अभी आएंगे इनके धीरे धीरे वाले लाइन में फूटते रहते हैं. बलुशा, वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है बलुशा. बलुशा का मतलब क्या होता है? बलुशा एक्चुअली कपिल, बलुशा मींस लेडी ऑफ द वुड्स. तो वाओ, या इट्स अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री. आई एम अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री. व्हाट नेम इज दिस? इट्स जर्मन. जर्मन. अब जर्मनी से आपका काफी प्यार लगता है. जर्मन आती भी आपको, नाम भी जर्मन है आपका. वैसे जो आपने नाम का मतलब बताया वो आपने इंग्लिश वाले दर्शकों के लिए तो बता दिया, जो होस्ट है उसको तो बताया नहीं. मुझे अभी भी नहीं पता चला. लेडी ऑफ द लकड़ी की लड़की. लकड़ा दी कुड़ी. पंजाबी भी आती है आपको? पंजाबी आंदी हो? कश्मीरी भी बोल चुकी हूं अभी. अगले सीजन तक तो फ्लुएंट पंजाबी फिल्में करेगी. और मैंने एक चीज और सुनी है मलुशा, मैंने सुना की जहाँ जहाँ तक आपका किरदार है तनाव में, वहां तक की सुधीर जी ने डायरेक्ट किया. जब आपका किरदार का काम खत्म हो गया उसके बाद ये भी चले गए, किसी और डायरेक्टर को दे दिया. इन्होंने कहा कि ग्लैमर तो चला गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट वाज रियली फन बीइंग डायरेक्टेड बाय सुधीर सर. वो बहुत मेहनती है. लुक के हिसाब से तो बिल्कुल ही करेक्ट थी. कॉस्ट्यूम में पहना हो तो बिल्कुल एक कश्मीरी, लेकिन जिस तरह से इसने तलफ्फुज पे सब काम किया. अच्छा, आपको पूरी सीरीज में इन्हीं की मेहनत दिखी है? बेचारे इनकी मेहनत भी दिखी आपको? हमारे मानव विज साहब बड़े कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने बड़े कमाल कमाल के किरदार किए हैं. कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पृथ्वीराज में देखा ना, थोड़े देर में मुझे पहचान नहीं पाया मैं कि मानव पाजी हैं. इतना कमाल का मैंने इनको बताया भी. और बड़ी सारी फिल्मों में इन्होंने बड़े बड़े मजेदार किरदार किए हैं. लेकिन हमने एक बात सुनी है कि इस सीरीज के बाद इनकी धर्मपत्नी जी ने पहली बार इनकी तारीफ की, तो उन्होंने आपके बाकी करेक्टर देखे नहीं थे पहले? कभी आपको मिली है तारीफ घर पे बीवी से? ऐसा मुझे याद नहीं कोई मोमेंट. क्या हो? क्या उन्होंने पहले एपिसोड देखे नहीं थे? वो आपकी तो फिर भी हो गई, मेरी आज तक नहीं हुई. पर फिर भी जी, मेरे लिए ऑस्कर है अगर मेहर बोलती कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मेरे से बेटर एक्टर है और बेटर इंसान है, तो मैं उसकी हर चीज को सही मानता हूँ. स्वीट पाजी, क्या बात है, ऐसे ही तारीफ करते रहो बीवी की. सुखी दाम्पत्य का ये मूल मंत्र है. सुमित कौल साहब का ये तनाव से ओटीटी पे डेब्यू हुआ है. सर बहुत बहुत मुबारक आपको, और बड़ा कमाल का किरदार किया आपने. थैंक यू. और ओटीटी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी दुनिया आपको देखती है. इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी का फोन आया कि अब तो मेरा उधार दे दो? जोक से बात कर.
नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि सुमित पाजी ने ना बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों के लिए आवाज भी दी है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, डेडपूल, कैप्टन अमेरिका, स्टार वॉर्स और अवेंजर जैसी फिल्मों के लिए। अच्छा, इन फिल्मों में हमने देखा है एक सीन चल रहा है कि न्यूयॉर्क का कहीं सीन चल रहा है और आयरन मैन बोल रहा है कि यू हैव टू गो टू शंघाई, और हिंदी में जब कभी हम सुनते हैं ना तो बदल जाता है डायलॉग, छोटे तुम्हें नालासोपारा जाना होगा। सुमित जी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डैड कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि ऐसे बदल देते, कि आपको लगता है कि जब डॉलर में पेमेंट नहीं मिल रही तो मैं शंघाई क्यों भेजूं, मैं नालासोपारा क्यों ना भेजूं? इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है, जो हमें बताया जाता है, जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, डायरेक्टर जो बताते हैं वही बोलते हैं, हम कुछ अलग नहीं बनाते। मैंने और अर्चना जी ने भी एक बार एक इंग्लिश फिल्म के लिए डबिंग की, एंग्री बर्ड्स के लिए। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है बड़ा, जैसे आई लव यू फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में आएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पांच शब्द आ गए, उतनी देर में उसने आई लव यू खत्म कर दिया हुआ, तो फिर हमें फास्ट होना पड़ता है। आपको भी लगता है ना कि ये बहुत बहुत होता है, कई बार होता है एक्चुअली, इनफैक्ट ज्यादातर वही होता है कि अंग्रेजी में जितना कहा जाता है हिंदी में उसी चीज को काफी ज्यादा शब्दों में कहा जाता है एक्चुअली, तो आपको कभी कभी उसको काट के कहना पड़ता है कि प्यार करता हूँ तुमसे। क्या बात भाई, एक बार कोई ऐसी आवाज सुपर हीरो की निकाल के बताओ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक विलेन का किरदार है जो जब भी बोलता है उसमें उन्होंने तकिया कलाम रखा हुआ है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मुझे मोड़ के, अच्छा मेरा दिल तुम पे आ जाता है मुझे मोड़ के। मनुषा, जैसे आप गोवा से हैं, आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की वजह से ना कई बार इंसान की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार गोवा तो जरूर देखना है। नहीं मतलब ऐसे, कभी आप गोवा से बाहर जाती हैं शूटिंग के लिए कहीं और, तो गोवा के टूरिज्म में गिरावट आती है? आई विश कि ये होता, मगर नहीं है। अर्चना जी का एक सवाल है। नहीं है, नहीं है, कहते 31 दिसंबर को गोवा में बहुत रश होता है, होटल वगैरह नहीं मिलते, तो एक औरत अपने दो बच्चों और पति के साथ आपके घर रुक सकती है? हंस के टाल दिया उन्होंने, तूने ऐसे करा, दो बच्चे, मेरे दो बच्चे 6 फुट, हाँ दो बच्चे पति से भी लंबे हैं मतलब। मगर जरूर अर्चना, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, आई एम श्योर, बट आई डोंट नीड हिम टू आस्क ऑन माय बिहाफ। पर पूछती तो है, ये तो मानती है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार ना सलीम साहब हमारे शो पे जब आए, उन्होंने अरबाज भाई का किस्सा बताया, कहते अरबाज मेरे पास आया और मुझे आके बोलता पापा मैं क्रिकेट खेलूं या सिंगर बनूं, तो सलीम साहब ने कहा कि तुम सिंगर बन जाओ, इन्होंने कहा कि पापा आपने मुझे गाते हुए देखा है, कहते नहीं मैंने तुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो अरबाज भाई, अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो बच्चे नहीं रहे, पर अब जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, वेब सीरीज, तो आप पापा से पूछते हैं पापा ये मुझे ये करनी चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास चॉइस था ना कि सिंगर या क्रिकेटर बनूं, अभी तो चॉइस ही नहीं है। अभी जो मिलता है वो मैं कर लेता हूं, तो बोलते मुझे पूछो ही मत। अरे सुधीर सर ने इंडस्ट्री में जाने भी दो यारों जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्म के साथ शुरुआत की थी, जिसमें राइटर थे सर, बड़ी कमाल की फिल्म थी सर। उसके बाद किसने आपका दिल तोड़ दिया कि आपने कॉमेडी फिल्म लिखना ही छोड़ दिया? जितने लोगों ने जाने भी दौरों में काम किया था, आप नोटिस करेंगे किसी ने उस तरह की कॉमेडी बनाई नहीं, क्योंकि Actually. इतना रिलीफ हो गया था कि बन गई। जब हम बना रहे थे तो हमको कुछ पता नहीं था, मैं 22 साल का था। अच्छा, वाह। और कुंदन साहब की पहली फिल्म थी। अब उनको, उनकी बीवी ने ये कहा था कि बेटा तुमको अब लंदन चल के नौकरी करनी चाहिए, तो वो मेरे घर आ जाते थे। अब हम बैठ के कुछ लिख रहे थे, कुछ मैंने किया ही होगा ताकि उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ एक्टर्स जुड़ गए, सुबह आलू गोभी खाने को मिलती थी, रात को गोभी आलू खाने को मिलता था। चाय मिलती थी, सब आते थे, काम करते थे। ज्यादातर एक्टरों को लगा कि ये क्या बकवास फिल्म है। अच्छा। एक कुंदन का एक पागलपन का दिमाग था, बिल्कुल सोचते ही बिल्कुल कुछ अलग था, तो वो कैसे बन गई हमको समझ में नहीं आया, तो उसके बाद हम कभी उस तरफ गए नहीं। क्या मैड फिल्म है सर, वाह, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, थैंक यू फॉर दैट मूवी, थैंक यू कुंदन। अब मैं पहली बार एक कॉमेडी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह सर, क्या बात है, और बहुत डर लग रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।